आज के इस आयोजन में उपस्थित हमारे उत्तर बिहार के प्रबंधक और डायरेक्टर श्री सिन्हा साहब, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर पटना में जो बैठे हैं सहाय साहब, और हमारे मंच पर आज उपस्थित यहाँ पर इस विभाग के स्टूडियो सुपरिटेंडेंट, हमारे साथ मंच पर रामदयाल जी, अनु जी, मंटू जी, अध्यक्ष जी, रमेश जी, अशोक जी, राकेश जी और कैंसर माझी जी, रंजीत जी, और मंच के सामने उपस्थित तमाम छपरा के वरिष्ठ पत्रकारगण, हमारे पार्टी के सदस्यगण, पोस्टल विभाग के कर्मचारीगण और तमाम नौजवान साथी और कितने विशिष्ट अतिथि, आज का समय एक अच्छे कार्यक्रम के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, लेकिन जो त्यौहार का माहौल है उसमें शायद पूरी तौर पर मैं अपनी बात न रख सकूं, लेकिन फिर भी हमारे माननीय डॉक्टर सी एन गुप्ता साहब यहाँ हैं और तमाम सतेंद्र जी, राकेश जी, कामेश्वर ओझा जी, अरविंद सिंह जी, सत्या जी, सोलंकी जी, हम जिस आज पीछे से शायद ये स्थान इसी जगह उद्घाटन करना था, इसलिए कोई संजोग है कि बहुत विस्तार से नहीं रख पाऊंगा। आप सब लोग पासपोर्ट ऑफिस खोल रहा, हम सहाय साहब से पूछ रहे थे कि बिहार में हर साल कितना पासपोर्ट जारी होता है, तो सहाय साहब ने बताया कि बिहार में औसतन एक वर्ष में 3 लाख होता है, और 3 लाख पासपोर्ट में अगर 1 लाख यानी कि 1/3, जहां 10 करोड़ की आबादी है, 11 करोड़ की आबादी है, वो अकेले सारण कमिश्नरी से ही जारी किया जाता है। अब ये अपने आप में कितना बड़ा तथ्य है, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सुषमा स्वराज जी का, देश के प्रधानमंत्री का, कि मेरे एक साधारण पत्र के आग्रह पर उन्होंने छपरा में पासपोर्ट कार्यालय की स्वीकृति देगी, जिसकी आज शुरुआत है। पासपोर्ट का उपयोग क्या है और पासपोर्ट ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है, हम सिर्फ आप लोगों को उस तस्वीर को देखने के लिए कहेंगे जिसमें सुषमा स्वराज जी का फोटो है, जिसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो है, जिसमें मेरा एक फोटो है, पीछे एक में भवन है, और उसमें एक नीला रंग का किताब और उसके ऊपर एक हवाई जहाज। ये कब और कहां से आपके पास पहुंचेगा, यही एक बड़ी शुरुआत है। शायद आप अपने जीवन में पासपोर्ट ना बना पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके बच्चे पासपोर्ट बनाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे, छपरा के कार्यालय से बनाएंगे, और आपको बुढ़ापे में अपने साथ भी वहां ले जाएंगे पासपोर्ट बना के। इसलिए इसकी स्थापना, इससे कल कोई पेट नहीं भरने वाला। लेकिन जहां जिस जिला में पासपोर्ट कार्यालय होता है, तो उस जिला में रहने वाले लोगों की हैसियत बड़ी मानी जाती है, वैसे लोगों को बड़ा माना जाता है, और आज देश के 600 जिलों में से मात्र 60 या 65 जिलों में पासपोर्ट कार्यालय होगा, जिसमें से आज छपरा में ये कार्यालय है। यह एक बड़ी बात, आपको लगता होगा कि ये क्या है, ये आपके आपके जिला का सम्मान है। कल आप अपनी बेटी की शादी करने आएंगे और जब जिला के बारे में चर्चा करेगा कोई, तो आप कहेंगे साहब हमारे यहाँ तो कमिश्नरी हेडक्वार्टर नहीं है, हमारे यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में है, जो आज तक पटना मुख्यालय में होता था, आज छपरा मुख्यालय में है, सीएम गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, ये आपका सर। देखिए, जनप्रतिनिधि हमारे बीच में बहुत सारे बैठे हैं, हर लोग अपने अपने स्तर पर, कोई नगर पालिका का प्रतिनिधि है, कोई पंचायत का प्रतिनिधि है, कोई महापौर है, हर तरीके से, कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने समाज का सेवा करता है। लेकिन इस पूरे राजनीतिक हायरार्की में कुछ लोगों की जिम्मेवारी है जो व्यवस्था कायम करता है। आप पंचायत की योजना को जो पूरा कराते हैं, तो पंचायत की योजना जो सरकार बिहार की या केंद्र की सरकार बनाती है, उसको लागू करने में आपकी भूमिका होती है पंचायत। लेकिन जो आपके विधायक होते हैं या आपके सांसद होते हैं,
वो योजना सरकार से बन करके कानून आए, सरकार से बन करके योजना आए, वो बड़ा काम एक सांसद का होता है, विधायक का होता है, जो राजीव प्रताप रूड़ी इस क्षेत्र में हमेशा की तरह करता। आप सब लोग आज हमारे, उन्होंने बताया कि हम लोग यहां से छपरा से मुजफ्फरपुर जाते हैं। आज तो बड़ी अच्छी सड़क बन गई है और मुझे लगता है कि बिहार में इस नमूने का सड़क नहीं बना होगा। उस पर बड़ी कड़ाई हमने की, 300 करोड़ रुपया खर्च हुआ। लेकिन नेता की भूमिका क्या हो, आखिर बना कैसे और कैसे बनवाया, किसने बनवाया, आप सब लोगों को याद नहीं होगा। जो NH-102A है वो एक, आज जिसको 722 NH बताया गया है, ये 2000 में जब मैं आपका सांसद था और उस समय राजनाथ सिंह जी भारत सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तब इस गरखा वाले पथ को हम लोगों ने राष्ट्रीय उच्च पथ डिक्लेयर करवाया था, घोषित करवाया। उस समय उसका मतलब कुछ नहीं था। 2000 से लेकर 2017 तक, 17 वर्षों तक हम लोग 2015 तक टूटे सड़कों पर चलते रहे। गरखा जाने में ही 13-14 किलोमीटर आपको लगभग घंटा लग जाता था। इस रास्ते से मुजफ्फरपुर जाने में 5 घंटे लगते थे आपको। लेकिन वो निर्णय उस दिन का, 2003 के बाद हमारी 4 के बाद सरकार चली गई, 10 साल तक हम सरकार के बाहर रहे। 2015 में 14 में हमारी सरकार आई और तब मैं उस काम में फिर लग गया। और आज वो निर्णय, अगर उस सोच के आधार पर राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित कराने का काम अगर हमने 2000 में नहीं कराया होता, तो आज ये चमचमाता हुआ सड़क आप नहीं देखते। नेता का काम है आगे सोच, और आज मैं पागल की तरह उसमें वोट मिलता है कि नहीं मिलता है, मैं पिछले 6 महीने से जिस काम के लिए लगा हुआ हूं, आपको आज नहीं, आपको आज से 20 साल के बाद कहीं ना कहीं जब आप अपने बच्चों के पास बैठेंगे तो याद आएगा। आज जो शिव बच्चन चौक से मकेर होते हुए, तरैया होते हुए, पानापुर होते हुए डुमरिया घाट तक बांध का सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया। डुमरिया घाट से पुल पार करके पश्चिमी तटबंध पर बगहा और बेतिया का सड़क होते हुए NH-28A तक, जो गोरखपुर को जोड़ता है, इस सड़क के निरीक्षण का काम प्रारंभ हो गया है और अगले कुछ वर्षों में इसका काम देखेंगे। और पटना से बेतिया जाने वाले लोग जो आज 6 घंटा लगाते हैं, मात्र 2.5 घंटा में हमारे क्षेत्र के भीतर से गुजरते हुए वहां पहुंचे। कोई तो सोच रहा है कि किस दिशा में काम होना चाहिए। अगर कोई आज का निर्णय है, हमारा दायित्व है, हम केंद्र की सरकार में बैठे, भारत की सरकार, हमारा दायित्व है। हम आज से अगर 10 दिन पहले पीयूष गोयल के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो NH के अधिकारियों ने, अभी जो दिशा की बैठक जिला में हुई थी, तो NH के अधिकारियों ने कहा, अब यह सब बात आपको लगता होगा कि क्या फायदा, NH के अधिकारियों ने कहा कि साहब हम NH का रोड बनाते हैं और जहां रेलवे का क्रॉसिंग होता है, हम चाहते हैं कि उस पर भी रोड बना दे। तो रेलवे का अधिकारी आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि पटरी के पास आप रोड नहीं बना सकते, तो रोड दोनों तरफ अच्छा रहता है और पटरी पर गाड़ी पार करने की स्थिति नहीं होती है, आपके शहर के चारों तरफ भी ऐसा। हमने पीयूष गोयल साहब को कहा और उसी दिन एक आदेश मिल गया, पूरे भारत सरकार के लिए एक आदेश जारी हुआ कि अब जितने जगह भी आरओबी है, अगर PWD का सड़क हो, REO का सड़क हो, नेशनल हाईवे का सड़क हो, तो रेलवे अधिकारियों के सामने उस गुमती पर वो पूरा का पूरा उस 100 फीट पर सड़क बना सके। निर्णय का मतलब यह हो, दिशा की बैठक में हम लोग थे, दिशा की बैठक भारत सरकार की बड़ी बैठक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, छपरा के इतिहास में जब कलेक्टर के साथ, DM के साथ, SP के साथ और जिला के अधिकारियों के साथ बैठक होती है, तो छपरा के इतिहास में नहीं हुआ होगा, चाहे कोई मंत्री आए हो, मुख्यमंत्री आए हो, 9 घंटा आपके विकास योजनाओं की समीक्षा इस सचिवालय में आज तक नहीं हुआ जो हमने करके दिखा। आखिर इसका मतलब क्या, उसका उद्देश्य, वो
कुछ दिन की बैठक में रेलवे का कर्मचारी सब नहीं आया। आप तो घर में बिजली लगा देते हैं, बिजली का तार पहुंच जाता है, लेकिन जिला में बिजली कैसे पहुंचे वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, वो मेरी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी। आज किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहकर के, सीएम गुप्ता से कहकर के, चार टावर नहीं लगने के कारण सारण हेडक्वार्टर को जो 60 मेगावाट बिजली अतिरिक्त आना है, पिछले 6 महीना से लंबित तो था, अपना ताकत इस्तेमाल करके हम लोगों ने वो टावर का काम पूरा कर दिया है और आज सारण मुख्यालय 20 से 22 घंटा बिजली लेने की स्थिति में बन चुका है। ये काम हमारा है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे ये सुधार हो रहा है? ये व्यक्तियों का काम नहीं, ये समाज का काम है। सड़क बनता है, NH-19 बना, तो आप लोग पूरा बिहार और पूरा भारत घूमते होंगे, कहीं भी कोई राष्ट्रीय उच्च पथ जो 4 लेन बनता है तो किसी 4 लेन से शुरू होकर के किसी 4 लेन में मिलता है, लेकिन मात्र NH-19 एक ऐसा नेशनल हाईवे है जो हाजीपुर से शुरू होकर के मात्र छपरा में खत्म हो जाता है। ऐसा नेशनल हाईवे भारत में कहीं नहीं है, ये अपनी ताकत से हमने इसको 4 लेन बनाया। काम बंद हो गया था यूपीए के सरकार में, फिर से अभी 300 करोड़ रुपया दिलवा करके काम शुरू हो गया है और अगले मई तक ये पूरा नेशनल हाईवे चालू कर दिया। हम लोग छोटा छोटा चीज को देखते रहते, छोटा छोटा प्रयास करते रहते। आज ही हमारी बात हुई प्रत्यय अमृत से, पावर सब स्टेशन जो है उसे आपको व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं। आज मेरे पास चिट्ठी, पूरे बिहार में अगर सबसे ज्यादा पावर सब स्टेशन है तो वो सारण जिला में है और उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो राजीव प्रताप मंडी को जाता है। और आज भी गरियारा के लिए, धनौरा के लिए, कुतुबपुर दियारा के लिए और एक और स्थान के लिए नए पावर सब स्टेशन की स्थापना की स्वीकृति और मंजूरी लगभग 40 करोड़ रुपए की कराई। अगर सोनपुर में कभी किस बिहार में और पूरे देश में कहीं काम नहीं चल रहा है, लेकिन अगर एक जगह नमामि गंगा में सोनपुर का जो घाट बनवाया जा रहा है 32 करोड़ रुपया के लागत से नमामि गंगे का घाट बन रहा है, सूची देखी जाए तो बहुत लंबी है। सितापदियारा की लोग बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण की बात करते, आज जयप्रकाश नारायण का गांव कटने की स्थिति पर है। जब जब हम लोग गए हैं वहां लोगों ने एक ही बात कहा है, बाकी काम एक तरफ, गांव को बचा लीजिए कटाव से। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर के और बिहार सरकार से मिलकर के 90 करोड़ और 40 करोड़ का बांध का निर्माण की स्वीकृति हो गई है और काम भी प्रारंभ हो। बहुत लंबा सूची है, छोड़ दीजिए कि कौशल विकास के लिए बड़ा आयोजन हुआ और उसका काम चल रहा है, छोड़ दीजिए एम्बुलेंस चल रहा है, छोड़ दीजिए विकलांगों के लिए 2 करोड़ का सामान बता, लेकिन एक सांसद के प्रतिनिधि के रूप में निरंतर हम कुछ ना कुछ योजना लेकर के आपके क्षेत्र में आ रहे हैं। छोड़ दीजिए, आज बिहार में अगर सबसे अगला जिला है जहां 1,20,000 घरों में, और आप नोट कर लीजिए, पूरे बिहार में नहीं हुआ, कई देश के कई जिलों में नहीं हुआ है, आज आपके जिला के 1,20,000 गांवों में बिना 1 रुपए के खर्च के गैस का चूल्हा घरों में पहुंचा दिया गया है। यह है आपके ऊपर। और एक और बात बता दें, हम अपना लोड नहीं बढ़ाना चाहते। अगर पूरे बिहार में अगर सबसे ज्यादा सेंट्रल स्कूल का एडमिशन किसी ने करवाया है तो वो शख्स का नाम है राजीव प्रताप रूडी, आपको लेकिन हम अपना लोड नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए उसको क्रेडिट नहीं लेना चाहते। हर तरीके से उसको हम लोग बहुत सारी चीज, थोड़ा डिस्टर्बेंस है पीछे इसलिए ज्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन काम के मामले में आज की तारीख में अब तो हम लोगों को कह रहे हैं कि जो शहरों में रहते हैं अब आपको शहर में रहने की जरूरत नहीं है, वहां बहुत पोल्यूशन है, वहां बहुत बीमारी है। आज तो चकाचक सड़क गांव के देहात में अगर सबसे खूबसूरत सड़कों का निर्माण किया गया है तो छपरा में किया गया है, जहां आज गांव देहात में 24 घंटा बिजली है। रहना है तो अपने देहात में आके रहिए, शहरों का मोह माया छोड़ दीजिए। ये स्वागत के साथ लोगों को आजकल हम लोग छपरा में बुलाए। हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती, और सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो छपरा शहर की साफ सुंदर और सफाई है। मैं उसमें पीछे, क्योंकि उसमें बहुत सारे अड़चने हैं, बहुत सारे कारण हैं, मैं उसमें लगा हुआ हूं,
रघुनाथ नगर का नाले के सफाई का काम हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। इस शहर के लिए आपको तो लगेगा नहीं, इन शहर के कंजेशन शुरू करने के लिए रणनीति नीतिगत तौर से आज 600 करोड़ का डबल डेकर अंतोगत्वा स्वीकृत हो गया है और अब हमको लगता है कि मार्च मई में उसका काम भी शुरू हो जाएगा। कहां से कभी कोई कल्पना कर, अभी 3 दिन पहले प्रयास करते करते शहर के 5 जगह आरओपी बनाने के लिए रेलवे पुल बनाने की भी स्वीकृति प्राप्त हो। लेकिन छपरा शहर की साफ सफाई, छपरा शहर में नाला बनाने का 10 करोड़ रुपए हमने एनएचएआई से स्वीकृति दिलवाया है, उसका भी काम जल्दी शुरू होने वाला है। छपरा शहर के बीच का सड़क का जो काम है वो भी शुरू होने वाला है। बहुत लंबी सूची, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मूल रूप से ये कहना चाहूंगा कि कल हमारे सामने खड़ा होकर के कम से कम जो कोई ये नहीं कह सकता है कि राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा। हाँ, अगर राजनीतिक रूप से अगर आप प्रेरित हो, अगर आपको व्यक्तिगत कोई कारण हो, वो दूसरा हो सकता है, लेकिन सारण जिला में जितना काम इस छोटे अवधि में कराया गया है शायद मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत सारे जिलों में इस प्रकार की प्रगति का काम हुआ। और बहुत कुछ करना है, उस पर प्रयास जारी रहेगा। मित्रों, आप सब इस कार्यक्रम में आए हैं, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपका अधिकार था, मुझे लगता है कि इसमें आपको वो लाभ मिला और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सब लोगों का इस आयोजन में आने के लिए, विशेष रूप से हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठों और आप सभी साथियों का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।